डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 200 तक तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 181 में पूछा गया है कि सेप्टिक टैंक के इनलेट चेंबर में जो बॉटम पे आउटवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो कितना है तो ये स्लोप होता है ये है 1 इन 10 इस तरीके से स्लोप दिया जाता है यहां पे क्वेश्चन 182 में पूछा गया है कि सेप्टिक टैंक का जो स्टैंडिंग बेफिल वॉल है उसके बॉटम पे एक ओपनिंग दी जाती है सेंटीमीटर 15 15 की तो ये ओपनिंग कितने वॉल है? है इसके बॉटम पर यहाँ पर ये ओपनिंग दी जाती है और ये दी जाती है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन वन एटी थ्री

सेप्टिक टैंक में स्टोर करना है प्लस उसके साथ में जो स्लज है उसको भी सेप्टिक टैंक में स्टोर करना है तो उसकी कैपेसिटी इक्वल होगी जितना डेली सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है प्लस जितना स्लज प्रोड्यूस हो रहा है वन ईयर में तो ट्वेल्व थाउजेंड तो हो गया सीवेज का प्लस स्लज का मैंने बताया था पहले भी कि याद रखना है थर्टी लीटर पर पर्सन पर डे तो थर्टी लीटर पर थर्टी इंटू हंड्रेड तो ये हो गया फिफ्टीन थाउजेंड टोटल ये स्लेज है, और ये सीवेज है ये सारा का सारा सेप्टिक टैंक में रहेगा तो उसकी कैपेसिटी है वो फिफ्टीन थाउजेंड लीटर होनी चाहिए मीटर क्यूब में ये हो जाएगा फिफ्टीन मीटर क्यूब ये निकाला हमने इस रेट से ये यहाँ पे थर्टी है ये स्लेज का वॉल्यूम है पर पर्सन पर ईयर और वन ईयर में डिसलेजिंग किया जा रहा है इसलिए हमने वन ईयर के लिए है अगर सिक्स मंथ्स में डिसलेजिंग किया जा रहा होता तो फिर इसका हाफ लेते थ्री थाउजेंड का इसके बाद टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी फिफ्टीन मीटर क्यूब लेंथ अपॉन विथ है ये फोर है इसका रेस तो गए, तो लेंथ हो गई गिवन है जस्ट हमें कैपेसिटी जो वॉल्यूम है वो लेंथ इंटू विथ इंटू डेफ के इक्वल कर देंगे जगह फोर इंटू विथ इंटू विथ इंटू डेफ पता है ये वैल्यू रख देंगे अपॉन फिफ्टीन और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो w आ जाएगा 1.5 थोड़ा सा 1.5 से कम आएगा बट तो 1.5 ले लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके तो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर विड्थ है वो 1.5 मीटर है लेंथ है वो 6 मीटर है ये वैल्यूज दी गई हैं ऑप्शन डी में 6 मीटर एंड 1.5 मीटर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन 184 क्वेश्चन 184 में इमोफ टैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आंसर होगा ऑप्शन ई इन इमोफ टैंक है ये सेप्टिक टैंक का ही कुछ एडवांस्ड वर्जन है सेप्टिक टैंक में जो इनफ्लो हो रहा है और जो स्लज्स प्रोड्यूस्ड है वो मिक्स होते हैं एक ही चेंबर में होते हैं वो इसमें दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है नीचे एक चैम्बर है जिसमें स्लज डाइजेस्ट हो रहा है और ऊपर का चेम्बर है उसमें बहुत ही स्लो वेलोसिटी सीवेज फ्लो हो रहा है ताकि उसका सेडिमेंटेशन हो जाए तो सेडिमेंटेशन और डाइजेशन वाले चेम्बर को अलग अलग कर दिया बेसिकली टैंक में तो स्टेटमेंट ए में दिया है कि ये रेक्टेंगुलर है बी में दिया है कि डिटेंशन पीरियड है है वो आवर्स सेप्टिक टैंक में डिटेंशन पीरियड रिक्वायर्ड था वो ट्वेल्व टू थर्टी सिक्स आवर्स था, था।, था। वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो जीरो पॉइंट पर मिनट है और सरफेस लोडिंग है वो थर्टी थर्टी थाउजेंड लीटर पर मीटर स्क्वायर है प्लान एरिया पर डे तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 185 क्वेश्चन 185 में पूछा है कि क्लेरिजेस्टर से ये क्या है तो ये काइंड ऑफ इम ऑफ टैंक ही है जो कि सर्कुलर है और ये पेटेंटेड है इस नाम से इसमें मैकेनिकल स्लज एंड कम ब्रेकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं होफर्स होते हैं वो नहीं यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं. और डेप्थ है वो जनरली कम रखी जाती है लेस देन सिक्स मीटर रखी जाती है तो जहां पे डीप एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है इमोफ टैंक वहां पे नहीं प्रोवाइड किए जा सकते बट वहां पे क्लरिजिस प्रोवाइड किए जा सकते हैं तो ये है इनकी तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा डबल स्टोरी टैंक विदाउट बॉटम होपर्स बॉटम होपर्स कुछ ऐसे थे तो ये अब हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करने हैं इसलिए डेफ्थ है वो रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट है क्वेश्चन 186 क्वेश्चन 186 में पूछा है कि नीचे दिए गए ग् कोगुलेंट्स में से CVS को ट्रीट करने के लिए कौन से कोगुलेंट को नहीं यूज किया जाता है तो एलम है इसको वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है बट सीवीएस को ट्रीट करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता इसका रीजन ये है कि ये जो फ्लोप बनाता है वो तो स्पॉन्जी होते हैं और बहुत डिफिकल्टी से सेटल होते हैं और वॉल्यूम ऑफ स्लिस प्रोड्यूस्ड है वो भी काफी लार्ज होता है तो एलम को यूज नहीं किया जाता नेक्स्ट है क्वेश्चन 187 क्वेश्चन 187 में पूछा गया है कि कौन सा कोगुलेंट है जिसको वाइडली यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो ये चार मेन कोगुलेंट्स हैं जिसमें एलम को नहीं यूज किया जाता सीवेज ट्रीटमेंट के लिए फेरिक फेरिक क्लोराइड सल्फेट लाइम और क्लोरिनेटेड कुपरेस इनको यूज किया जाता है क्लोरिनेट कुपरेस को स्पेसिफिकली तब यूज किया जाता है जब जो तो सुलस प्रोड्यूस हो रहा है कोगुलेंट के बाद सेडिमेंटेशन टैंक में उसको डाइजेस्ट करवाना एक्टिवेटेड प्रोसेस से तो ये प्रेफर किया जाता है फेरिक सल्फेट विथ लाइम भी यूज किया जाता है और काफी बार ये इफेक्टिव होता है क्लोरस से भी ज्यादा ये अलग अलग पीएच रेंज है इनकी कि कौन सी पीएच रेंज में कौन सा कोगुलेंट इफेक्टिव होता है तो फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट विथ लाइम है ये दोनों वाइडली यूज किए जाते हैं बट अभी कोगुलेशन और ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में कुछ एडवांस टेक्निक आ गई हैं जो कि ये कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन वाले प्रोसेस से भी ज्यादा इफेक्टिव है तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड गिवन है, फेरिक सल्फेट गिवन है बट फेरिक सल्फेट विथ लाइम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन हो, जाए, हो जाएगा बी है वो आंसर हो जाएगा फेरिक सल्फेट को यूज किया जाता है लाइम के साथ में नेक्स्ट है क्वेश्चन 188. 188 में दिया गया है कि एक में पहले मॉइस्चर कंटेंट था वो पीवन परसेंट था तो स्लज का वॉल्यूम था वो V1 था जब मॉइस्चर कंटेंट है वो पीटू परसेंट है तो स्लस का वॉल्यूम V2 होगा तो V2 टू कैलकुलेट करना है P1, P2 और V1 के टर्म में चाहे तो आप ये फॉर्मुला डायरेक्टली याद रख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेरिवेशन भी इजी है पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है मैं एक बार बता देती हूँ आपको डेरिवेशन भी इस क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है वो पूरा का पूरा एक कंसेप्ट में बेस्ट है कि टोटल सोलिड्स का जो वेट है वो सेम रहेगा इनिशियली मॉइस्चर था वो पीवन परसेंट था वॉल्यूम था वो विवन था और विवन वॉल्यूम था ये वेट स्लज का वॉल्यूम था जिसमें कि मॉइस्चर भी है सोलिड्स भी है और सोलिड्स कितने हैं वो है डब्ल्यू के जी उसके बाद मॉइस्चर को रिड्यूस कर दिया उसमें से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया इसके बाद टोटल वॉल्यूम है वो चेंज होगा वो वी टू हो गया मॉइस्चर का नया परसेंटेज है वो पी टू है और सॉलिड्स का वॉल्यूम जो वेट है वो सेम रहेगा क्योंकि सोलिड्स को हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया ओनली मॉइस्चर को एक्सट्रेक्ट किया गया है तो ये अभी भी डब्ल्यू के जी रहेगाड के जी तो उसमें पी वन तो मॉइस्चर है और सोलिड्स है बचे हुए सोलिड्स है हंड्रेड माइनस पी वन तो हम कह सकते हैं कि 100 माइनस वन अगर सोलिड्स हैं तो वेट स्लज का वॉल्यूम है वो 100 के है अगर 1 के वेट ऑफ सोलिड्स है तो वेट स्लज का वॉल्यूम है ये है वेट स्लज सॉरी वॉल्यूम नहीं है वेट के टर्म में हम बात कर रहे हैं अभी फिर कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम के टर्म में वेट ऑफ वेट स्लज ये हंड्रेड के है और ये वेट ऑफ सोलिड्स है अगर वन है तो हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस पी वन और अगर डब्लू के जी है सोलिड्स का वो जो वेट है तो वेट का वेट होगा हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस पी वन मल्टीप्लाई बाई डब्लू डब्लू के जी है वो सॉलिड्स का वेट है और अभी जो आया है ये है वेट ऑफ जो वेट स्लेज है जिसमें की मॉइस्चर भी है सोलिड्स भी है सेम इसी तरीके से हम इसके लिए भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं इसके लिए हो जाएगी अगर इसमें भी डब्ल्यू के जी सोलिड्स का वेट है जो कि रहेगा क्योंकि सोलिड्स का वेट एज इट इज है उनको रिमूव नहीं किया गया है तो ये इक्वेशन बन जाएगी 100 डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस पी टू मल्टीप्लाई बाई डब्लो अब अभी जो आया है ये वेट स्लेज है उसका वेट आया है इसको हम वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं V1 निकाल सकते हैं इससे अगर स्पेसिफिक वेट जो है या कह सकते हैं मास डेंसिटी जो है वो गामा एस है स्लेज का तो वेट को इससे डिवाइड करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया वन बाई गामा एस से और इस, इसको भी कर दिया वन बाई गामा एस से ये हो गया जितना वेट्स का टोटल वॉल्यूम है जो कि वी टू है एग्जैक्टली गामा एस डिफर करेगा सेम नहीं होगा बट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हम इसको सेम ले लेते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये आ गया ये जो टर्म है गामा एस से डिवाइड करने के बाद ये डिनोट कर रही वी वन को ये डिनोट कर रही है वी वन और टू में हमें इस निकालना है w है जो दोनों में सेम है तो एक बार हम इससे डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे जो आ जाएगी वी टू हंड्रेड माइनस पी टू गामा एस अपॉन हंड्रेड इससे जब हम वी वन की वैल्यू ये इक्वल है वीवन के तो जब डब्लू की वैल्यू निकालेंगे तो वी हंड्रेड माइनस पी वन इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन दोनों को हम इक्वेट कर, इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी वेट ऑफ सोलिड्स है जो पहले था ये वेट ऑफ सॉलिड्स वो है जो बाद में है बट वेट ऑफ सोलिड्स तो सेम है हमने सिर्फ मॉइस्चर को रिड्यूस किया है तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी वन हंड्रेड माइनस पी वन इज इक्वल टू वी टू हंड्रेड माइनस पी टू क्वेश्चन में हमसे वी टू पूछा गया है तो वी टू हो जाएगा वी वन हंड्रेड माइनस पी वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस पी टू ये इक्वल आ जाएगा वी टू पे इस तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन वन एटी नाइन

रिलेशन पता चल गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो V2 टू यहां से आ जाएगा 100 माइनस P1 परसेंटेज पहले 90 था तो 100 माइनस नाइनटी अपॉन हंड्रेड माइनस एटी मल्टीप्लाई बाई वी वन वी टू आ जाएगा वी वन बाई टू टेन बाई ट्वेंटी वी वन बाई टू आ जाएगा अब परसेंटेज निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस v1 वन माइनस वी वन बाई टू अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू हंड्रेड तो ये आ जाएगा फिफ्टी परसेंट तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला नहीं भी याद है तो डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे कि ट्वेंटी के जी है सोलिड्स का वॉल्यूम एटी परसेंट सेकेंड वाले जो केस है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट एटी परसेंट है उसमें ट्वेंटी के जी सॉलिड्स हैं उनका जो वेट स्लज बना हुआ होगा उसका वॉल्यूम होगा हंड्रेड के जी और पहले क्या था पहले अगर हमें ट्वेंटी के जी ऑफ सॉलिड्स लेने हैं तो उसके लिए हमें लेना पड़ रहा था टू हंड्रेड के जी वेट स्लज क्योंकि मॉइस्चर नाइनटी परसेंट था तो हंड्रेड के जी वेट स्लज है उसमें सॉलिड्स हैं वो ओनली टेन है टेन के जी है तो अगर हमें ट्वेंटी के जी सोलिड्स लेने हैं एक्सचेक्ट करना है तो टोटल जो वेट स्लेज का वेट था वो 200 हंड्रेड के जी लेना होगा तो जाके इतना होगा अब पहले 20 के जी वेट्सलेस का वेट था इतना 20 के जी सोलिड्स का जो बना हुआ वेट है उसका वेट था 200 हंड्रेड के जी और अभी 20 के जी सोलिड्स है उसका जो वेटसलेस बन रहा है उसका जो वेट है वो है हंड्रेड के तो इसमें कितना रिडक्शन हो गया फिफ्टी परसेंट आधा हो गया जस्ट तो ऑप्शन बी हो जाएगा ध्यान रखें कि आपको बाद वाला जो है उससे निकाले पहले कि 80 है, तो एटी परसेंट मॉइस्चर है बीस के जी उसमें सोलिड्स है अब सेम बीस के जी सोलिड्स आपको लेने हैं फर्स्ट वाले केस में तो फर्स्ट वाले केस में टोटल कितना वेट सेलेस लेना पड़ेगा उसके लिए टोटल टू हंड्रेड लेना पड़ेगा क्योंकि हंड्रेड में तो टेन के जी मिलेंगे इस तरीके से भी आप कर सकते हो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन uh, में दिया है कि दिए गए स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट दिए गए स्लज डाइजेशन के रिगार्डिंग स्लज डाइजेशन एक अनएरो प्रोसेस है जिसमें कि जो स्लज है उसको स्टेबलाइज किया जाता है सेडिमेंटेशन तो टैंक में जो स्लज नीचे सेटल हो गया है उसमें काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर है और हम उसको ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते हमें उसको पहले ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करवाना होगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन या स्लज डाइजेशन और ये टैंक में किया जाता है क्लोज टैंक होता है उसको बोलते हैं स्लज डाइजेशन टैंक या स्लज टैंक इस प्रोसेस में काफी सारी गैसेस निकलती हैं और वो गैसेज है उसमें मेजर जो होती है कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली गैस वो होती है मिथेन सेवेंटी परसेंट के अराउंड मिथेन होती है इसमें सेवेंटी परसेंट मिथेन होती है और बाकी गैसेज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड थर्टी परसेंट होती है तो दिए गए स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट हो, हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो 75 है किसी को यह कंफ्यूजन हो सकता है पे लिखा है ऑप्शन में सेवेंटी लिखा है तो आप देखो, तो देखो में सबसे ज्यादा गलत इम्पॉसिबल है क्योंकि थर्टी परसेंट की अराउंड ही होती है या इससे भी कम होती है मिथेने सेवेंटी परसेंट भी हो सकती है और सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट होती है वैसे तो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 191 क्वेश्चन 191 में पूछा गया है कि न्यूट्रल प्रोसेस होता है जो स्लज डाइजेशन का उसमें फर्स्ट स्टेज कौन सा है तो इसमें तीन स्टेज होते हैं फर्स्ट होता है एसिड फर्मेंटेशन सेकंड होता है एसिड डिग्रेडेशन और थर्ड होता है एल्केलाइन फर्मेंटेशन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज में कुछ एसिड कंपाउंड्स बनते हैं क्वेश्चन 192 में पूछा है कि एसिड रिग्रेशन वाला जो इंटरमीडिएट वाला स्टेज है स्लेस डाइजेशन में उसमें अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्लस डाइजेशन का प्रोसेस है वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा तो बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेज होता है उसमें जो फर्स्ट स्टेज में वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स बने हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड बने हैं उनको अटैक करते हैं बैक्टीरिया और एसिड कार्बोनेट और अमोनिया कम्पाउंड बनाते हैं और ये स्टेज है ये थ्री मंथ्स तक कंटिन्यू रहता है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर और बीओडी भी काफी ज्यादा हाई रहती है इस स्टेज में कंपाउंड्स की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइनटी डेज नेक्स्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा है कि स्लस डाइजेशन में जो एल्काइन डिग्रेशन स्टेज होता है उसमें पीएच वैल्यू कितनी रहती है तो ये पीएच वैल्यू है ये सेवन से ज्यादा होती है आंसर ऑप्शन ए होगा जो एल्कल रिग्रेशन का स्टेज है फाइनल स्टेज है स्लेजाइजेशन का और इसमें जो भी रेजिस्टेंट मटेरियल है जैसे प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड्स इन पे अटैक किया जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया से जिनको मिथेन फॉर्मस भी बोलते हैं और ये जो रेजिस्टेंट मटेरियल हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया ऑर्गेनिक एसिड और गैसेज में और ये सेवन के राउंड होती है पीएच इस रेंज में और बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ इथेन फॉर्म होता है यहां पर और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजन वगैरह इनर्ट गैसेज निकलती हैं क्वेश्चन 194 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा तो यहां पर दिए गए सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ऑल ऑफ द बु ये हो जाएगा आंसर स्टेटमेंट ए में दिया है हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ स्लस डाइजेशन है वो ज्यादा होगा डाइजेस्ट कर रहे हैं स्ल्स को डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं अगर ट्वेंटी टू फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है तो उसमें ऑर्गेनिज्म है ये डाइजेस्ट करते हैं स्लज को और 90% ऑफ़ डाइजेशन प्लेस इन थर्टी डेज अगर 29 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑप्टिम टेम्परेचर होता है मेसोफेलिक ऑर्गेनिज्म के लिए तो अगर ये टेम्परेचर किया जाए तो 90% परसेंट डाइजेशन है वो हो जाएगा ओनली 30 डेज में तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 195 195 में पूछा है कि सीवरेज सिस्टम किस-किस से कंसिस्ट होता है तो सारे ही सीवरेज सिस्टम के पार्ट हैं इन सब से सीवरेज सिस्टम कंसिस्ट होता है हाउस सीवर लेटरल सीवर मेन सीवर ब्रांच सीवर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नेक्स्ट है क्वेश्चन 196 क्वेश्चन 196 में पूछा है कि वो सीवर जो कि अनलोड करता है सीवेज को एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट तो ये होता है आउटफॉल सीवर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन 197 में पूछा है कि वो सीवर पाइप जो कि एक बिल्डिंग से कैरी करती है इमीडिएट डिस्पोजल पर तो ये होता है हाउस सीवर हाउस सीवर है वो वो पाइप है जो कि एक बिल्डिंग से सीवेज लेके एक स्ट्रीट सीवर में सीवेज को डिस्पोज करता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस सीवर ऑप्शन ए नेक्स्ट है क्वेश्चन 198 क्वेश्चन 198 और सेम ही पे बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 198 में पूछा है कि वो एरिया जहाँ पे रेनी सीजन है वो फ्यू मंथ्स में ही रहता है लिमिटेड है वो कि फ्यू मंथ्स में बारिश होगी तो कौन सा सिस्टम अडोप्ट किया जाएगा रेनफॉल हो रहा है यहाँ पे वो कुछ लिमिटेड टाइम में हो रहा है जैसे कि एक साल में सिर्फ थ्री मंथ्स के लिए रेनफॉल हो रहा है तो जब रेनफॉल हो रहा है था तो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होगा मान लिया कि डिस्चार्ज है वो हंड्रेड मीटर क्यू पर सेकेंड के आसपास है किसी सीवर लाइन में कंबाइंड सिस्टम अगर देते हैं तो और बाकी टाइम ड्यूरेशन में डिस्चार्ज है वो वन मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो ऐसे केसेस में कंबाइंड सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करना बेनिफिशियल नहीं रहता क्योंकि बहुत लार्ज सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग और उसका यूज भी नहीं है और फिर मिनिमम जो क्लिनिंग सेल्फ क्लिनिंग वेलोसिटी है वो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि नाइन मंथ्स में तो इतना कम फ्लो है तो जो रेनफॉल हो रहा है बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है तो उस केस में कंबाइंड सिस्टम सुटेबल नहीं रहता उस केस में सेपरेट सिस्टम दिया जाता है रेनफॉल के लिए अलग दिया जाएगा और जो सीवेज वाला है उसके लिए अलग दिया जाएगा क्वेश्चन 199 में दिया है कि एक ऐसा एरिया जिस है जिसमें लाइट रेन है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट तो इस केस में जो डिस्चार्ज है अगर कंबाइंड केस वाला हम सिस्टम लें तो डिस्चार्ज है वो थ्रू आउट सेम सा ही रहेगा जैसे इसमें हो रहा था तीन मंथ्स में बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है बाकी नाइन मंथ्स में बहुत कम है ऐसा नहीं होगा क्योंकि थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हो रहा है थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा बट मेजर वेरिएशन नहीं होगा इस टाइप के केसेस में कंबाइंड सिस्टम प्रोवाइड करना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर सीवर का डिस्चार्ज भी रहेगा और रेनफॉल का भी रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंबाइंड सिस्टम नेक्स्ट है क्वेश्चन 200 200 में दी है कि एक कोई सिटी है उसका ड्रेनेज टू सीवेज रेशियो है 20 है तो हम मान लेते हैं कि ड्रेनेज है ड्रेनेज है वो रेनफॉल वाला जो पोर्शन है रिनोव का वो जो सीवर लाइन में फ्लो हो रहा है तो डिस्चार्ज है वो 20x है और सीवर का जो डिस्चार्ज है वो x है क्वेश्चन में पूछा पीक ड्राई वेदर फ्लो है वो डिजाइन डिस्चार्ज का कितना परसेंटेज होगा तो डिजाइन डिस्चार्ज होगा इन दोनों का sum ड्रेनेज वाला और सीवेज वाला सिस्टम पे हम कर रहे हैं कि सारा का सारा का में से जा रहा है पीक ड्राई वेदर फ्लो की बात कर ड्राई वेदर फ्लो मतलब वाला डिस्चार्ज है ये जीरो हो गया यहाँ पर तो अभी डिस्चार्ज रहेगा वो ओनली एक्स रहेगा तो जो पीक ड्राई वेदर फ्लो है वो होगा एक्स डिवाइडेड बाई डिजाइन डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज होगा ट्वेंटी एक्स प्लस एक्स ट्वेंटी एक्स प्लस बी डिजाइन डिस्चार्ज है वो दोनों का सम होगा ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि तो दोनों को ही हमें डिस्पोज करना तो है तो डिजाइन डिस्चार्ज है उसके अकॉर्डिंग होगा आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट